हेलो, वेलकम टू गाइस। दोस्तों, माय नेम इज एसकेआरडी और नाइस गन स्टूडियो में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे पास एमआई का फोन, मैक्रोमोस का फोन, जिसमें कि बैटरी इस प्रकार से आते हैं और जिनमें कि प्रॉब्लम हो जाते हैं, बैटरी डेड हो जाते हैं और मेरा फोन वर्क नहीं होता है। तो यानी बैटरी मेरा खराब है, तो इस खराब बैटरी को किस प्रकार से आप फाइंड आउट करके इसे रिपेयरिंग करके दोबारा इसको यूज कर सकते हैं यानी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ। अगर आपके पास इस प्रकार का बैटरी है या तो फिर इस प्रकार का बैटरी है, तो जैसे ये बैटरी मेरा ठीक है और इसका पत्ता खराब है, और इसमें जैसे कि ये बैटरी मेरा खराब है, बैटरी मेरा खराब है और इसका ये खराब है, तो आपको किस प्रकार से आपको दोनों बैटरी को मिलाकर एक बैटरी को आपको ओके करना है। तो सिंपल से दोस्तों, आपको करना क्या है, इसका डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं दो व्हाइट कलर का होगा सप्लाई, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली सोल्डरिंग आयरन से आपको इसे खोल के चेंज कर सकते हैं उल्टा पुल्टा। इस प्रकार से करने के बाद दोस्तों, आपका एक बैटरी बिल्कुल यूज हो सकता है और ठीक हो सकता है। कोई सा भी फोन में आप यूज कर सकते हैं एक बैटरी को दोनों मिला के। अगर दोस्तों आपका ये बैटरी खराब है और ये सही है, तो किस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कोई सा बैटरी में, एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये सैमसंग का बैटरी है, बिल्कुल नया है और काफ़ी अच्छे हैं, तो ये कोई काम का नहीं है। तो इसमें किस प्रकार से आपको सेव करना है, तो सिंपल सी आपको इसे निकाल देना है यहाँ से, डायरेक्टली निकल जाएंगे यहाँ से। तो निकाल लेने के बाद दोस्तों, आपको ये वाला देख रहे हैं प्लेट, इसको भी आपको उखाड़ देना है। उखाड़ने के बाद आपको सेम इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ से आपको एक जम्पर लेना है, माइनस प्लस देख के आपको जम्पर मार देना है इसमें और इसे यहाँ चिपका देना है, और सेम इसी प्रकार से आपको इसमें यानी डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों, आपका फोन बिल्कुल चल जाएगा, वन हो जाएगा और बैटरी भी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के बैटरी को आसानी से रिपेयर करके अपने फोन में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार के बहुत सारे बैटरी हैं, तो कृपया उसे फेंके नहीं, उसे रिपेयर करके उसे काम में लगाया जा सकता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे बैटरी को देखा है जो कि फेंका हुआ रहता है, तो उन बैटरी में काफी अच्छी सामान होते हैं। मान के चलिए आपका ये बैटरी खराब हो गया, एक्सपायर हो गया, फूल गया है, बैटरी नहीं चल रहा है, चार्ज नहीं टिक रहा है, यानी कि डेड हो गया है, तो ये खराब हुआ है, तो ये तो ठीक है मेरा, तो इसको आपको अच्छी तरह से रखना है। ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसका कॉर्ड यहाँ पे अच्छी तरह से सेव हो जाते हैं, तो किसी भी बैटरी में आपको ये कॉर्ड जोड़ने से आपका मोबाइल चालू हो जाएंगे यानी वन हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसी प्रकार से कोई सा बैटरी को ठीक करके अपने फोन में लगा लेता हूँ यूज करके। तो मैं देखता हूँ इसमें कौन सा बैटरी है। तो देखिए दोस्तों, तो ये मोटरोला कंपनी का बैटरी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से इस बैटरी को तैयार किया गया है। सिर्फ माइनस प्लस को निकाला है दो वायर से, तो इस प्रकार से आप भी निकाल लेना है और माइनस प्लस का कनेक्ट अपने फोन में लगा देना है, आपका फोन बिल्कुल चलने लायक हो जाएंगे। बैटरी आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार से करने के बाद आपका फोन चल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इस प्रकार से करते हैं और आप भी कीजिए, अपने बैटरी को रिपेयर करके दोबारा अपने फोन में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इससे भी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।